सो वी हैव डिस्कस अबाउट द डिफरेंट रीजन ऑन द अर्थ. हमने 11 अलग अलग जलवायु क्षेत्र और वनस्पतियों के क्षेत्र की बात की थी, वो मैंने बता दिए थे आपको. फिर इसके बाद हमको क्या करना है, क्लाइमेट एंड वेजिटेशन ऑफ डिफरेंट रीजन्स. विभिन्न रीजन में, पृथ्वी के अलग अलग रीजन्स में या एरियाज में क्या है, कहां पे क्लाइमेट कैसा और वहां का वेजिटेशन कैसा होगा. तो सबसे पहले मैं बात करूंगा इक्वेटोरियल रीजन की. हमारा सबसे पहला रीजन क्या था, इक्वेटोरियल रीजन. इक्वेटोरियल रीजन क्या है, 10 डिग्री नॉर्थ ऑफ इक्वेटर एंड 10 डिग्री साउथ ऑफ इक्वेटर. ये जो पूरा जोन होगा इसी को हम क्या कहा है, इक्वेटोरियल रीजन कहा है. क्लियर. देन यहां पे टेम्परेचर कैसा रहेगा, टेम्परेचर हाई रहेगा, एक्सट्रीम हाई नहीं होगा. बिकॉज सबसे ज्यादा टेम्परेचर कहां होता है, ट्रॉपिक्स पे. जो सबसे ज्यादा हमारा तापमान होता है वो हमको कहां मिलता है, कर्क रेखा और मकर रेखा. ठीक है. हाँ, तो टेम्परेचर क्या होगा, हाई एंड अराउंड द ईयर. और टेम्परेचर रेंज कैसी होती है, यहां पे क्या तापमान में बदलाव बहुत ज्यादा होता है, इक्वेटर के पास टेम्परेचर यहां पर बहुत ज्यादा चेंज नहीं होता है. जैसे हमारे इंडिया में क्या, मैंने बताया था आपको क्या, कि इंडिया में गर्मियों में 48 डिग्री तक जाता है और सर्दियों में जीरो तक चला जाता है. वही 40-40 डिग्री का टेम्परेचर डिफरेंस क्या है, बहुत ज्यादा है. और यहां पर टेम्परेचर डिफरेंस क्या है, बहुत कम है. तो क्या है, नैरो टेम्परेचर रेंज, टेम्परेचर रेंज बहुत कम होगी. ये बात भी समझ गए. अब टेम्परेचर रेंज कम है, टेम्परेचर हाई भी है, तो क्या होगा, कन्वेक्शन होगा भाई, संवहन कन्वेक्शन होगा, कन्वेक्शन होगा. या सीधे सीधे बोले हम, देयर इज लो प्रेशर कंडीशन. जब टेम्परेचर ज्यादा होता है कहीं पे तो क्या होगा, मॉलिक्यूल्स ऊपर की तरफ जाने लगते हैं. जब कहीं पे तापमान ज्यादा हो, आप पानी गर्म करते हो, क्या होता है, सब पानी बहुत तेज खौलता है. तो पानी के अंदर जो मॉलिक्यूल्स है वो क्या कर रहे हैं, दूर भाग रहे हैं. दूर भाग रहे हैं तो उनके बीच में दाब कैसा होगा, प्रेशर कम होगा या ज्यादा होगा भाई. एक तरफ जब आप पानी ठंडा करते हो तो एकदम सॉलिड ठोस हो जाती है, तो वहां पर प्रेशर बहुत ज्यादा होता है. वहीं पानी जब गर्म हो रहा है, खौल रहा है, तो पहले वो खौलना शुरू किया तो उसके मॉलिक्यूल्स क्या हुए, तेज दौड़ने हुए. फिर थोड़ी देर बाद भाप बन जाएगा, स्टीम या वेपर बनता है, तो मॉलिक्यूल्स क्या हो रहे हैं, और दूर फैल रहे. और जितना क्षेत्र बढ़ता जाएगा उतना प्रेशर कम होता जाएगा. भाई इस कमरे में अभी आप बैठो इतने लोग, और अचानक से मैं 200 लोग इस कमरे में भर दूं, तो आप कैसा फील करोगे, दब जाओगे, दब जाओगे ना. तो भाई हल यहां भी है, तो क्या है, टेम्परेचर जहां ज्यादा होगा वहां प्रेशर कैसा होगा, लो प्रेशर कंडीशन होगी. लो प्रेशर कंडीशन की वजह से क्या होगा, कन्वेक्शन होगा. कन्वेक्शन होगा तो कन्वेक्शन क्या कराता है, कन्वेक्शन कॉजेस कन्वेक्शनल रेन. और कैसे, अराउंड द ईयर. लगभग पूरे वर्ष भर क्या होता है, इक्वेटर के पास या विषुवत रेखा के पास बारिश कहीं ना कहीं होती रहती है. जब बारिश ज्यादा है तो ह्यूमिडिटी भी, भाई मॉइस्चर ज्यादा होगा कि कम होगा, ज्यादा होगा, तो ह्यूमिडिटी भी हाई. और सनशाइन, सूरज की रोशनी कितनी पड़ती है यहां पे, बहुत ज्यादा तो नहीं पड़ती लेकिन पर्याप्त मात्रा में तो है. क्योंकि जब इक्वेटर के पास से सन क्या होगा, दो बार शिफ्ट होता है. एक बार आपका कब जाएगा, जून में जाएगा, मार्च में, एक बार मार्च में, एक बार सितंबर में. दो बार क्या होता है, दो बार आपका सन इक्वेटर लाइन के लगभग परपेंडिकुलर होता है. तो यहां पे पर्याप्त मात्रा में लाइट भी मिल रही होगी, सनशाइन भी एम्पल है, और क्या, बारिश हो रही है तो पानी का अमाउंट भी कैसा होगा, पर्याप्त मात्रा में होगा, टेम्परेचर भी पर्याप्त.
बारिश लगातार होती है, टेम्परेचर हाई है बट बहुत ज्यादा हाई नहीं कि सब इवेपोरेट हो जाए। हाँ भाई, बारिश लगातार हो रही है। जैसे अभी क्या है इस समय अपने यहाँ क्या हो रहा है, खूब ह्यूमिड है, गर्मी भी दबा के गर्मी हो रही है, तो ऐसे ही कंडीशन वहां पर नहीं होगी। हाँ, साल भर ऐसी कंडीशन रहेंगी। क्लियर, ये बात समझ में आ गई। विजिबिलिटी क्या है, विजिबिलिटी वहां पे इफेक्ट बहुत ज्यादा नहीं होती, धुंध धुंध बहुत ज्यादा नहीं होती। जैसे अपने कहा आए दिन कोहरा धुआं ये सब समझ आता है, वहां पे सब प्रभाव नहीं पड़ता, दृश्यता में कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये बात क्लियर है, यहां तक कोई डाउट है? तो ये क्या था, इक्वेटोरियल रीजन के कैरेक्टरिस्टिक्स। क्लियर, कैरेक्टरिस्टिक्स के बाद हम बात करते हैं इक्वेटोरियल रीजन का वेजिटेशन। तो ये बात भैया समझ में आ गई, तापमान बढ़िया रहता है हमेशा, सूरज की रोशनी भी पर्याप्त मात्रा में है, बारिश भी लगभग साल भर होती है, लेकिन कौन सी बारिश हो रही है, कन्वेक्शनल यानी संवहनी वर्षा, यानी कन्वेक्शनल रेन हो रही है। किसकी वजह से, क्योंकि यहां तापमान ज्यादा है तो प्रेशर लो है, लो प्रेशर कंडीशंस बनती है। देन तो यहां का जो वेजिटेशन है, यानी यहां पे जो वनस्पतियां उगती हैं वो कैसी होंगी, सबसे पहली बात तो ये हॉट रीजन है। कैसा रीजन है, गर्म क्षेत्र है, तो यहां पे जो पेड़ उगेंगे वो कैसे होंगे, गर्म क्षेत्र वाले पेड़ ही होंगे। ये बात याद रखना, कैसे पेड़ है, गर्म क्षेत्र वाले पेड़ ही होंगे। अब ऐसा ना हो आप बता दो कि जो पेड़ जम्मू कश्मीर या एंटार्क्टिका में उग रहा वो यहां उगेगा, एंटार्क्टिका वैसे तो आपको कोई वेजिटेशन नहीं मिलेगा, ये याद रखना, मैंने बोल दिया तुम लोग, अरे भैया ने बोला था, हाँ वहां पेड़ है, एंटार्क्टिका में कोई वेजिटेशन है नहीं। लेकिन बेसिकली हम जब ठंडी जगहों पे जाते हैं वहां के पौधे अलग हैं, ठीक है, ट्रॉपिकल रीजन में थोड़े अलग हैं, और हमारे जो इक्वेटर के पास यानी विषुव रेखा या भूमध्य रेखा के पास उनके पौधे अलग हैं। क्लियर, तो यहां जब टेम्परेचर ज्यादा था, पानी भी पर्याप्त मात्रा में है, सूरज की रोशनी भी पर्याप्त है, जब भैया सब कुछ पर्याप्त मात्रा में है तो पौधे भी क्या होंगे, पर्याप्त मात्रा में होंगे। और यहां पे जो पौधे होते हैं, पौधों के बीच में लड़ाई किसकी है, सबसे बड़े बात यह है, तो भैया कहें जब सब कुछ पर्याप्त मात्रा में, तो यहां फाइट होता है, कंपटीशन होता है सनलाइट का। कंपटीशन किसके लिए हो रहा है, पेड़ आपस में सूरज की रोशनी के लिए लड़ते हैं। क्लियर, सूरज की रोशनी के लिए क्यों लड़ते हैं, क्योंकि पौधे अपना जो भोजन बनाते हैं वो कहां से बनाते हैं, सूरज की रोशनी से तो बनाते हैं, सनलाइट से ही तो बनाते हैं, तो जितनी ज्यादा सनलाइट मिलेगी वो उतना ज्यादा खाना बना लेंगे। क्लियर, तो खाना बनाने, खाना किस भाग में बनता है, पौधों के पत्तियों में बनता है, तो सबसे बड़ी चीज क्या होगी, पत्तियों में बनता है, तो यहां पे जो पौधे होंगे इनकी लीव्स कैसी होंगी, लार्ज लीव्स। ये बात तो क्लियर है ना, उनको जितना ज्यादा भोजन मिलेगा उतना ज्यादा रुकेंगे, तो ज्यादा रुकने के लिए पौधे बनाते हैं भोजन अपना पत्तियों में, तो पत्तियां कैसी हो जाएंगी, बड़ी हो जाएंगी। ये बात क्लियर। दूसरी बात, अब ठीक है चलो, पत्तियां सबके पास थी, सबने पत्तियां बड़ी कर ली, यहां ढेर सारे पौधे लगे थे, पेन अब क्या किया जाए, अब तो सभी को मिल रही, पेन रुको ऐसी बात बनेगी नहीं, हम यहां से देख नहीं पा रहे पड़ोसी को, हम क्या करेंगे, ऊंचाई देखेंगे, लंबाई से देखेंगे, चढ़ के देखेंगे, तो क्या करे, पौधों ने भी क्या किया, अपनी लंबाई बढ़ाई, तो ये पौधे कैसे हैं, यहां पे टॉलर ट्रीज मिलेंगे, पौधों की लंबाई कैसी होगी, बहुत बढ़िया होगी। तो पहला जो रीजन है, यहां पे पहले जो पेड़ पौधे मिलेंगे उनके क्या होगी, लार्ज लीव्स होंगी और टॉलर लीव्स होंगी। टॉल ट्रीज है तो लंबाई जब ज्यादा हो रही है तो इनको सपोर्ट भी तो ज्यादा चाहिए, मकान जितना ऊंचा है नींव भी उतनी गहरी होनी चाहिए ना, तो इन पौधों की जड़ें भी क्या होती हैं, बहुत मजबूत होती हैं, और इन रूट्स को बोलते हैं बटरेस रूट। कौन सी, बटरेस रूट्स, इन पौधों में जो जड़ें क्या है, बटरेस रूट्स होती हैं, जो पौधों को क्या कर रही हैं, सपोर्ट दे रही हैं। ये बात क्लियर, इसमें किसी को डाउट कहा, चलो ठीक है, अब कुछ पौधे बड़े हो गए और ऊंचे हो गए, लेकिन अभी भी क्या है, कुछ पौधे क्या है, छोटे रह गए,
छोटे रह गए, इन्होंने कहा कि चलो ठीक है सुबह सूरज इधर से निकलता तो ये भाई साहब नहीं धूप आने दे रहे हैं, शाम को सूरज इधर होता तो ये भाई साहब नहीं धूप आने दे रहे हैं। लेकिन एक टाइम तो ऐसा है क्या जब सबको मिलेगी, कब? जब सन परपेंडिकुलर होगा। सन परपेंडिकुलर मतलब ठीक ऊंचाई पे होगा तो क्या होगा, सबको धूप मिलेगी। ठीक है, तो क्या है ये जो दूसरे हैं ट्री शेड प्लांट्स हैं, ये थोड़े से छोटे होंगे। क्लियर, दूसरे कौन से हैं? शेड टॉलरेटिंग ट्रीज, पहले वाले की तुलना में ये वाले थोड़े से छोटे होंगे क्योंकि इनको धूप भी कम मिल रही है और तो भोजन भी कम बना पा रहे हैं। क्लियर, अभी क्या है इनको तो धूप मिली लेकिन इनसे भी कुछ छोटे वाले थे, वो क्या कह रहे हैं, कह हमें कुछ नहीं मिला, कह लेकिन इतना तो है कि हम कुछ ना कुछ तो कर ही लेंगे, कुछ ना कुछ कर लेंगे, वो क्या बने, वो बनी झाड़ियां। तीसरा क्या है, ग्राउंड ट्रीज, इसमें क्या आती हैं, श्रब्स। ठीक है, जितनी भी झाड़ियां आएंगी वो क्या है, तीसरे प्रकार का वेजिटेशन है, कहीं कुछ ना कुछ तो मिलेगा ही। फिर चौथे क्या है, चौथे भैया क्या कहें, चौथे जो पौधे हैं वो क्या कह रहे हैं, कहें ये तो पत्तियां भोजन ऊपर से बना रहा ना, धूप तो इसके तने में ही पड़ रही है, कहीं ऐसा करते इसके तने में लिपट जाए, इसके तने में लिपट जाए तो तने पे जब धूप पड़ेगी तुमको भी भोजन हम अपना बना लेंगे। कहें ठीक है, तो चौथा जो टाइप है वो है क्लाइंबर्स या क्रीपर्स। ठीक है, या इन्हीं को हम बोलते हैं क्या, एपीफाइट्स। ये बात याद रहेगी। क्लियर, ये चार प्रकार के अलग अलग वेजिटेशन है जो आपको कहां मिल रहे हैं, इक्वेटोरियल रीजन यानी विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा के आसपास। भूमध्य रेखा का जो क्षेत्र है 10 डिग्री नॉर्थ और 10 डिग्री साउथ में। क्लियर, यहां तक किसी को डाउट है? ठीक, अच्छा ये भी याद रखना, ये यहाँ का जो वेजिटेशन इक्वेटोरियल बहुत ज्यादा डाइवर्स होता है भाई, इतनी ज्यादा सुविधाएं हैं, पानी भी है, धूप भी है, खाना भी है, मिनरल्स भी है, जो आ रहा वगैरह ठीक है मुग लेंगे। ठीक है, इट हैज मैक्सिमम डाइवर्सिटी, विविधता क्या है सर्वाधिक है यहाँ पर। डाइवर्सिटी का एक्चुअल मीनिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ थिंग, मैक्सिमम डिफरेंट, हाँ अलग अलग होना भाई, मेरे करेक्टर अलग है, आपके करेक्टर अलग है, तो हम दोनों एक दूसरे से डाइवर्स है। अब क्या है, अब हम सभी जितने लोग बैठे हैं यहाँ पे सभी क्या है, आपस में एक दूसरे से डाइवर्स है भाई, सबके अपने गुण है, सबके अपने करेक्टरिस्टिक्स हैं। कोई पढ़ रहा है एक घंटे में उसने 10 पेज पढ़ लिया, और एक भाई साहब एक पेज ही पढ़ रहे हैं 10 घंटे से, तो क्या है, ये अपने गुण है। लेकिन वो बंदा जब उसको स्पोर्ट्स ग्राउंड में दौड़ाया तो क्या किया उसने, फटाक से 5 किलोमीटर 20 मिनट में दौड़ लिया, और आपके दौड़ा रहे थे तो आप 2 घंटे तक दौड़े, कहना अब होगा नहीं, 2.5 किलोमीटर के बाद कहना हम हो नहीं पाएगा, हमको घर भेज दो, बताया उसके बाद रास्ते में हॉस्पिटल भी ले जाना पड़ा। ठीक है, तो क्या है, दीज आर द डेंसेस्ट फॉरेस्ट। क्लियर, इसको साफ कर दें, डेंस मोस्ट है, और क्या है यहाँ पे, डाइवर्स मोस्ट, यहाँ पे विविधता सर्वाधिक पाई जाती है, सर्वाधिक विभिन्न प्रकार के पौधे पाए जाते हैं। ये बात क्लियर हो गई। फिर इसके बाद क्या है, अब यहाँ पे क्या हो रही, लगातार बारिश होती है, मैंने बताया पूरे साल भर, तो इन फॉरेस्ट को बोलते हैं इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट। ठीक है, इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट, भूमध्य वर्षा वन। क्लियर, भूमध्य वर्षा वन, ये बात क्लियर है। अब दूसरी चीज क्या है,
अभी इनको पर्याप्त मात्रा में पानी मिल रहा था तो खाना मिल रहा था, तो ये लोग क्या करते हैं, ये पौधे हर साल अपनी पत्तियां भी चेंज करते हैं, पत्तियां चेंज करेंगे और अपनी छाल भी चेंज करते हैं, उनकी बार्क जो है वो चेंज होती है। उसका यूकेलिप्टस का प्लांट देखा आपने, यूकेलिप्टस के प्लांट में एक सीजन में क्या होता है, उसके जो ऊपर का कवर होता है वो निकलना स्टार्ट हो जाता है। ऐसे और भी पौधे होंगे जो कि इस रीजन में पाए जाते हैं। तो पौधे क्या करते हैं, जब उनके पास लग रहा है पर्याप्त मात्रा में सोर्सेज हैं, पानी है, सनलाइट है, मिनरल्स है, तो अपने समय समय पे कहते हैं ऐसा है ठीक है। जैसे ह्यूमंस क्या करते हैं, अपनी स्किन चेंज करते हैं, ह्यूमन चेंज करते हैं और स्नेक भी चेंज करता है, ठीक है। तो वैसे पौधे भी क्या करते हैं, समय के साथ अपना स्किन, आउटर स्किन चेंज करते हैं और क्या करते हैं, पत्तियां भी गिराते हैं। नहीं, एक फिक्स साइकिल नहीं, देखो है क्या यहाँ पे, क्या पर्याप्त मात्रा में सोर्सेज है तो जब जिस पेड़ का मन होता है वो कर लेता है, लेकिन जैसे आप ट्रॉपिकल रीजन में जाओगे तो वहाँ एक फिक्स टाइम होता है, वहाँ सीजन चेंज हो रहे हैं, यहाँ पे सीजन चेंज नहीं होता। तो यहाँ पौधे कहते हैं जब मेरा मन होगा मैं कर लूंगा। हाँ, तो और क्या कर रहे हैं, ट्रीज लीव्स देयर बार्क, या इसी को हम क्या बोलते हैं, छाल है, एंड शेड देयर लीव्स, अपनी पत्तियां भी ये समय के साथ गिरा देते हैं। और ऐसे पेड़ जो पत्तियां गिरा देते हो वो डेसीडुअस प्लांट्स होते हैं, पर्णपाती पौधे, और जो इन पौधों से जंगल बन रहा है वो कैसा है, डेसीडुअस फॉरेस्ट। क्लियर, तो कैसा है, डेसीडुअस फॉरेस्ट। तो ये कौन से फॉरेस्ट हो गए, इसी को बोलते हैं पर्णपाती वन, जिन पौधों के पत्तियां गिर जाएं उन्हीं को हम क्या कहेंगे, पर्णपाती, पर्ण मतलब पत्ते, पात मतलब गिरना, जिन पौधों के पत्ते गिरते हैं उन्हें क्या कह रहे हैं, पर्णपाती वन कहते हैं। अब दूसरा रीजन क्या है, देखो सनलाइट तो यहां हो सकता है सभी जगह हो, सनलाइट वेरी करती, लेकिन इक्वेटर पास मान लिया कि सभी जगह थी, लेकिन वाटर सोर्स कभी कभी वेरी कर जाता है। भाई इक्वेटर मैंने कहा पर्याप्त मात्रा में तो पानी है, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि एवरी पॉइंट पे हर एक बिंदु पे समान मात्रा में हो, इट इज नॉट पॉसिबल दैट एवरी पॉइंट हैज अ सेम अमाउंट ऑफ वाटर। जब ऐसा नहीं है तो क्या होगा, वहां पे पौधे कभी भी अपनी पत्तियां चेंज नहीं करेंगे, पत्तियां कभी चेंज नहीं करेंगे तो क्या होंगे, हमेशा ग्रीन दिखाई देंगे। हाँ, वो ओल्ड नहीं होती, वो ग्रो होती जाएंगी नहीं, लेकिन पुरानी वाली टूट के खराब हो जाएंगी पत्तियां। ऐसा नहीं होती कि सारी पत्तियां झड़ जाएं, जैसे अपने आप गुलमोहर का पौधा देखते हो, गुलमोहर का पेड़ बड़ा सा होता है, जब उसमें पतझड़ आती है अपने यहां तो पौधा ऐसा लगता है झाड़ी सूखा खड़ा है, और जैसे स्प्रिंग आती है इतनी तेज उसमें पत्तियां और फूल निकलते हैं, अरे ये तो लगता है जिंदा हो गया अभी। क्लियर, तो वैसे क्या है, यहां पे भी कुछ पौधे क्या है, जब जब लगता है कहीं कहीं पे जहां पानी की मात्रा कम हो या सनलाइट वेरिएट कर रही हो, पानी और सूरज की रोशनी क्या रही बदल रही हो, उनकी मात्रा निश्चित ना हो, तो पेड़ पौधे अपनी पत्तियां और छाल नहीं बदलेंगे, और नहीं बदलेंगे तो ऐसे वन होते हैं सदाबहार वन, वो हमेशा क्या दिखते हैं, एवरग्रीन फॉरेस्ट। क्लियर, shed their leaves. Some places does not have similar amount of sunlight and water, so plant does not shed their leaves and bark. So they always remain green. And such forests are called as evergreen forest. Yani sadabahar one. क्लियर, इसमें किसी को दिक्कत है यहां तक? ठीक है,
अब देखो यहां पे जो पौधे होते हैं, यहां पे जो पौधे होते हैं कैसे होते हैं, पहले उनमें फ्लावरिंग होती है, सबसे पहले उनमें फूल आते हैं। फ्लावरिंग के बाद क्या होगा, सीड बनेगा, और सीड यानी बीज के चारों तरफ क्या बनता है, एक कवर बनता है, जिसे हम अभी ये पूरी चीज क्या बन गई है, फ्रूट। जब सीड्स के चारों ओर कवर बन जाए तो क्या बन जाता है, एक फ्रूट बन जाता है। और ऐसे प्लांट्स क्या कहलाते हैं, सच प्लांट्स आर कॉल्ड एज एंजियोस्पर्म। यहां पे जो पौधे हैं वो कौन से हैं, एंजियोस्पर्म भी है, डेसिडुअस भी है, और जुवन कौन से हैं, एवरग्रीन फॉरेस्ट है और इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट। समझे, वर्षा ज्यादा हो रही थी, वर्षा ज्यादा हो रही, रेन ज्यादा हो रही, और किस क्षेत्र में, इक्वेटर क्षेत्र में, तो इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट। पहली चीज तो ये इक्वेटोरियल रीजन में है और रेन की वजह से इतने ज्यादा घने जंगल है, तो इनको क्या दिया नाम, इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट। अब कुछ पौधों ने क्या किया, अपनी छाल बदली और पत्ते गिरे, जब पत्ते गिरे तो उनको हमने क्या नाम दिया, पर्णपाती। पर्णपाती पत्तों का गिरना क्या हुआ, पर्णपाती यानी डेसिडुअस फॉरेस्ट। तीसरा चीज क्या बताया, जहां पे क्या हो रहा है, कहीं कहीं पानी या सनलाइट पर्याप्त मात्रा में नहीं है, हॉट ड्राई सीजन नहीं है, तो वहां क्या हो रहा है, पौधे और पत्तियां नहीं बदलेंगे, पत्तियां नहीं बदलेंगे तो हमेशा कैसा दिखाई देगा, हरा हरा दिखाई देगा, इनको हमने क्या कहा, एवरग्रीन फॉरेस्ट। और यहां पे जो पौधे होते हैं उनमें पहले फूल निकलते हैं, फिर बीज होता है, बीज के चारों तरफ एक कवर बनता है, और ये कवर बनते ही वो क्या हो जाता है, फल बन जाता है, और ऐसे पौधों को हम क्या बोलते हैं, एनजीओ स्पर्म। ये बात क्लियर, यहां तक डन है। नाउ द रीजंस ऑफ इक्वेटोरियल क्लाइमेट, याद रखिए, अब इसको आप एटलस में देखेंगे तो दिखेगा, पूरे वर्ल्ड फिजिकल को देखो जरा, वर्ल्ड फिजिकल में इक्वेटोरियल रीजन दिख रहा है, अगर छोटा मैप हो तो बड़ा देख लो, कोई पॉलिटिकल ही देख लो, इंडोनेशिया, जावा, सुमात्रा, ये सब दिख रहे हैं, क्या बात कर रहे हो, क्यों जी रहे हो तुम लोग, ये देखो मेरे में दिखाई दे रहा, इंडिया के जैसे ही राइट में पहुंचोगे, ये आपका इंडिया, इंडिया के बगल में पहुंचोगे ये तुम्हारा इंडोनेशिया दिखाई दे रहा होगा, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के बीच में लिखा हुआ, ऑस्ट्रेलिया दिख रहा है, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के बीच में देखो इंडोनेशिया लिखा है, इसी के बगल में नीचे दिया होगा पापुआ न्यू गिनी, ऑस्ट्रेलिया से जस्ट लगा हुआ, ठीक है, है? पापुआ न्यू गिनी भी क्या है, इक्वेटोरियल रीजन का एरिया है, जहां पे कैसे फॉरेस्ट होंगे, एवरग्रीन, डेसिडुअस और इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट, क्लियर। तो पापुआ न्यू गिनी से ये हमने एरिया देखा, पापुआ न्यू गिनी के बाद आप जाओगे कहां, इंडोनेशिया में जावा, सुमात्रा, ये दिखाई दे रहे हैं आइलैंड्स है, जावा, सुमात्रा, बाली और मलाया पेनिनजुला, मलाया पेनिनजुला बेसिकली मलेशिया की बात कर रहे हैं, ठीक है, बोर्नियो भी वहीं कहीं होगा, देखो इक्वेटोरियल रीजन में है ये सब, ठीक है, ये सारे के सारे इक्वेटोरियल रीजन में। फिर इसके बाद जाओगे अफ्रीका में, अफ्रीका जाओगे, अफ्रीका फिजिकल दिख रहा है, छोटा वाला मैप खोलो, देखो एक फिजिकल भी दिया होगा इसी में, वर्ल्ड फिजिकल में अफ्रीका, अफ्रीका दिखा, सहारा जैसे ही इसमें ईस्टर्न कोस्ट पे देखोगे, ईस्टर्न साइड पे लिखा हुआ इथियोपियन हाइलैंड्स, अरे ईस्टर्न साइड देखो, ईस्टर्न कोस्ट अफ्रीका का, बीच में सेंट्रल पे लिखा है इथियोपियन, लिखा है
इथियोपियन हाईलैंड, ये इथियोपियन हाईलैंड ही एक ऐसा एक्सेप्शन है अफ्रीका में इक्वेटोरियल रीजन में जहां पर ये वेजिटेशन नहीं होगा, ये क्या है एक्सेप्शन है, बाकी पूरे इक्वेटर क्षेत्र में क्या होगा ये कि पूरा का पूरा वेजिटेशन होगा, ये बात क्लियर है। तो क्या इसका एक्सेप्शन क्या है, इथियोपियन आइलैंड, ठीक है। और इसका जो आगे का फॉरेस्ट मिलता है, आगे का जो रीजन है उसको बोलते हैं हम कॉन्गो फॉरेस्ट, इथियोपियन आइलैंड के आगे जो क्या दिख रहा है, कॉन्गो फॉरेस्ट दिख रहा है, क्लियर। ये क्या है इक्वेटोरियल फॉरेस्ट का एक एग्जाम्पल है। देन इसके बाद जाओगे आप, हाँ साउथ अमेरिका, साउथ अमेरिका में एक दिख रहा होगा गुआना आइलैंड, हाँ गुआना हाईलैंड दिखा है। गुआना हाईलैंड को छोड़ के बाकी जितना भी एरिया है वो क्या है इक्वेटोरियल एरिया है, क्लियर, ये बात समझ में आ रहा है। गुआना हाईलैंड को छोड़कर बाकी जितना भी एरिया वो कैसा है इक्वेटोरियल फॉरेस्ट एरिया है। तो ये भैया क्या हो गए आपके एग्जाम्पल हो गए, क्लियर। इनको एग्जाम्पल लिखना है क्या, बाहर आता है, हाँ हाँ बाहर है, देखो बाहर हो जाएगा ये, डन। तो इसके एग्जाम्पल्स लिखो, एग्जाम्पल्स लिखो कि ईस्टर्न साइड पे ऑस्ट्रेलिया के पास, नोटबुक लिख लेना, बोर्नियो, जावा, सुमात्रा, इंडोनेशिया, पापुआ न्यू गिनी तो भूल ही गए हम लोग, ठीक है, पापुआ न्यू गिनी। देन इसके बाद आप पहुंचो कहां, अफ्रीका पहुंचोगे, अफ्रीका में क्या है इथियोपियन हाईलैंड को छोड़कर, इथियोपियन हाईलैंड क्या है एक्सेप्शन है, यहां पे फॉरेस्ट नहीं हो पाते, हाइट ज्यादा है, क्लियर, बाकी एरिया क्या है इक्वेटोरियल फॉरेस्ट रीजन है। फिर उसके बाद पहुंचोगे साउथ अमेरिका, साउथ अमेरिका में क्या है गुआना हाईलैंड है, गुआना हाईलैंड को छोड़ के बाकी जितना भी एरिया वो क्या है इक्वेटर के पास इक्वेटोरियल फॉरेस्ट है, क्लियर, ये बात समझ में आ गई, डन। देन नेक्स्ट वन इज ट्रॉपिकल ईस्टर्न मार्जिन, नेक्स्ट वन इज ट्रॉपिकल ईस्टर्न मार्जिन। बेसिकली जब हम ट्रॉपिकल रीजन की बात कर रहे थे तो ट्रॉपिकल रीजन में मैंने आपको तीन एरिया बताए थे, ट्रॉपिकल ईस्टर्न मार्जिन, ट्रॉपिकल कॉन्टिनेंटल सेंट्रल, सेंट्रल कॉन्टिनेंटल, देन ट्रॉपिकल वेस्टर्न मार्जिन, तीन चीजें बताई थी। तो सबसे पहले हमने बात की ट्रॉपिकल ईस्टर्न मार्जिन, तो ट्रॉपिकल रीजन है तो वो क्या होगा 10 डिग्री से लेके 30 डिग्री तक, हाँ ट्रॉपिकल गर्म ही होता है, ठंडा होता ही नहीं है, ट्रॉपिकल मोस्टली गर्म होगा, कम ठंडा थोड़े समय के लिए होता है, गर्म ज्यादा समय के लिए होता है, ठंडा कम समय के लिए होता है। अपने यहां ठंडी कितने दिन पड़ती है, गर्मी, तो क्या समझ आया, गर्म ज्यादा होता है ठंडा कम होता है, वही तो हम भी कह रहे हैं, इंडिया का ट्रॉपिकल रीजन में है कि नहीं है, इक्वेटोरियल रीजन में भी इंडिया का एक पार्ट है, पता घंटा आप मार देंगे, निकोबार, अंडमान निकोबार जो है, निकोबार 6 डिग्री के अराउंड है, जब इक्वेटर से आप थोड़ा सा ऊपर बढ़ोगे तो 6 डिग्री के आसपास आपको निकोबार दिखाई देगा, और निकोबार जब 6 डिग्री में है तो मतलब 10 डिग्री के बीच पहले ही आ जाएगा, और 10 डिग्री तक हम क्या लेते हैं इक्वेटोरियल रीजन, ठीक। तो भूमध्य रेखा से एक हमने लाइन खींची इक्वेटोरियल लाइन 10 डिग्री पे, सॉरी हाँ इक्वेटोरियल रीजन के लिए, ये क्या पूरा इक्वेटोरियल रीजन है। फिर 10 डिग्री से 30 डिग्री तक ये हमने क्या बताया इसको ट्रॉपिकल रीजन बताया, ट्रॉपिकल रीजन को हमने तीन भागों में बांटा, ट्रॉपिकल ईस्टर्न, ट्रॉपिकल सेंट्रल कॉन्टिनेंटल, ट्रॉपिकल वेस्टर्न कॉन्टिनेंट सॉरी मार्जिन, क्योंकि दोनों साइड क्या है ओशियंस होते हैं, और जहां ओशियंस होंगे वो क्या होगा मैरीटाइम इफेक्ट शो करता है, बाकी क्या होगा कॉन्टिनेंट हमें सीवियर कॉन्टिनेंटलिटी की वजह से गर्मी बहुत ज्यादा देगा या ठंडा भी बहुत ज्यादा होगा,
तो ट्रॉपिकल रीजन होगा तो टेम्परेचर कैसा होगा? टेम्परेचर इज हाई, बढ़िया हाई होता है यहाँ पे, हाँ, बट नॉट अराउंड द ईयर। ये बात तो क्लियर थी ना, मैंने बताया कि 8 महीने 4 महीने वाला खेल रहेगा, क्लियर। और क्या यहाँ पे पानी की मात्रा कैसी है? पानी ठीक है लेकिन उतना नहीं जितना कि हमें इक्वेटर के पास मिला था। और क्या यहाँ पे और क्या क्या चेंज होगा? विंड्स, विंड्स कौन सी है? ईस्टर्लीज होंगी, कैसी? स्ट्रॉन्ग होंगी। तो ईस्टर्लीज हैं, स्ट्रॉन्ग है यानी बहुत मजबूत है। और ये कहां पे हम बात कर रहे हैं? ईस्टर्न मार्जिन पे। तो ईस्टर्न मार्जिन पे क्या लाएंगे अपने साथ? मॉइस्चर भी खूब लाएंगे, क्लियर है? ब्रिंग्स मॉइस्चर, ये मैंने बताया था ना कि जब इधर से ईस्टर्लीज चलती हैं, ईस्टर्लीज चलती है तो ईस्टर्न मार्जिन पे क्या होगा, ढेर सारी बारिश करा देंगी। फिर जब सेंट्रल कॉन्टिनेंटल पर तो बहुत थोड़ी सी करा पाती है, और जब वेस्टर्न पहुंचती है तो कुछ उनके पास बचता ही नहीं है। भाई आपकी जेब में ढेर सारा पैसा था, आप सबको बांटते गए, थोड़ी देर में क्या होगा, खत्म हो जाएगा। वैसे जो ईस्टर्लीज हवाएं चल रही है, यानी कौन सी? ट्रेड विंड्स या व्यापारिक पवने, इन्हीं को कहते हैं। तो जब ये हवा चली तो अपने साथ समुद्र से ढेर सारा पानी लेके आई, पानी लेके आई तो इन्होंने क्या कराया, जैसे ही ईस्टर्न रीजन पहुंची तो इनको क्या मिल गया, किसी ना किसी से टकरा जाएंगी, टकराने के बाद इन्होंने बारिश करा दी। कहीं ठीक है चलो थोड़ा सा और बचा था तो थोड़ा और आगे बढ़े, तब तक वेस्टर्न रीजन सेंट्रल कॉन्टिनेंटल पहुंचे थे, यहां भी इन्होंने थोड़ा सा जो बचा कुचा था वो यहां पहुंच गया। अब लास्ट में पहुंचते वेस्टर्न मार्जिन पे, जब तक यहां पहुंचते तब तक इनकी जेब में कुछ बचता नहीं और पानी लगभग ना के बराबर होता है। तो बेसिकली हम कहां की बात कर रहे हैं? ईस्टर्न रीजन की बात कर रहे हैं। ईस्टर्न रीजन में क्या होगा, ये स्ट्रॉन्ग ईस्टर्लीज होंगी और ब्रिंग्स मानसून, क्लियर। अब यहां पे क्या होता है, यहां पे वेरिएशन ऑफ क्लाइमेट होगा। क्या होगा? वेरिएशन ऑफ क्लाइमेट होगा। अब यहां पे आपको दो टाइप के क्लाइमेट मिलते हैं। पहला क्या है, ये क्या है, ओशियन के पास है, ओशियन के पास है तो मैरीटाइम क्लाइमेट शो करेगा, मैरीटाइम इफेक्ट विल बी देयर, जो समुद्री उसके जो लक्षण है वो भी यहां दिखाई देंगे। दूसरा क्या है, यहां पे मॉनसून भी आता है, मॉनसूनस क्लाइमेट भी होता है। मैंने बताया था ना मॉनसून कहां से आ रहा है, नीचे जाता है इंडिया में, केरला से, बहुत अच्छे से याद हो, केरला कर्नाटका, ये इंडिया में एंटर करने की यही जगह ही है, तो क्या ट्रॉपिकल रीजन में है। तो यहां पे आप कैसा सीजन फील करते हैं, दूसरा मॉनसूनस क्लाइमेट और पहला मैरीटाइम क्लाइमेट, एक समुद्री वायु, क्या क्या लिखते हैं इसको, जलवायु, और एक मानसूनी जलवायु को आप महसूस करते हैं। तो ये आप क्या है, देयर आर होगी, ऐसा कैसे हो सकता है, ये तो हमने नहीं कहा कन्वेक्शनल लेन होगी, बट इतनी नहीं होगी जितनी इक्वेटर पे हो रही थी। भाई वहां लगातार टेम्परेचर ज्यादा रहता है, यहाँ कन्वेक्शनल लेन होगी बट नॉट अराउंड द ईयर। जब गर्मी खूब पड़ रही होगी, मॉइस्चर हो रही होगी तो होगा, वरना कभी कभी विंटर्स आ गए तो ड्राई होगा। देन देयर आर टू टाइप्स ऑफ क्लाइमेट, पहला क्या है, ट्रॉपिकल, मॉनसून क्लाइमेट, इसी को बोलते क्या, उष्ण कटिबंधी मानसूनी जलवायु। ज्योग्राफी और इकोनॉमी तो हमें हिंदी में जान लेवा लगते हैं, उष्ण कटिबंधी मानसूनी जलवायु, ऐसी कटीली चलती इसमें ये, और जब उसके पास इसमें जाओगे क्या बोलते हैं, ट्रॉपिकल बट टेम्परेट, तो उपोष्ण उष्ण कटिबंधी, ये नाम मतलब यही तुमको सभी जगह सुनने को ही मिलेंगे, इसका कोई इलाज ही नहीं है हाँ।
ठीक है। तो सबसे पहला क्या है, ट्रॉपिकल मानसून क्लाइमेट, और दूसरा है ट्रॉपिकल मरीन क्लाइमेट। भाई दूसरी तरफ क्या था, ये ओशियन की तरफ था तो ओशियनिक क्लाइमेट दिखाई दे रहा होगा, तो मरीन टाइम समुद्री जलवायु दिखाई देगा। और दूसरी तरफ क्या है, यहां पे मानसून भी आता है, ऐसे क्षेत्रों में मानसून भी हमें दिखाई देता है, तो ये मानसूनी जलवायु भी दिखाई देगी। तो सबसे पहले इसमें क्या है, ट्रॉपिकल मानसूनस क्लाइमेट या ट्रॉपिकल मानसून क्लाइमेट के एरिया की बात करें तो सबसे ज्यादा ये कहां पे होता है, ये रीजन है साउथ एशिया, साउथ ईस्ट एशिया, ये इंडोनेशिया जावा सुमात्रा, ये सब क्या है, साउथ ईस्ट एशिया है। और इसके बाद आपका आएगा ईस्टर्न एशिया, ये चाइना वाला पार्ट जो है, चाइना ईस्टर्न एशिया में ही आता है, है? जापान नहीं है, जापान के अलावा इसमें नॉर्दर्न पार्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया एंड वेस्टर्न पार्ट ऑफ अफ्रीका, अफ्रीका ये ऑस्ट्रेलिया बना हुआ है, ऑस्ट्रेलिया का जो ऊपर वाला हिस्सा है उत्तरी भाग ये भी आएगा, तो क्या है नॉर्थ ऑस्ट्रेलिया। और ये जो आपका अफ्रीका है ऐसे, इसमें भी ये पश्चिमी वेस्टर्न भाग, ये क्या है वेस्टर्न ईस्टर्न है, सॉरी ईस्टर्न पार्ट है, ईस्टर्न पार्ट ऑफ अफ्रीका है, क्लियर। ये पूर्वी भाग और ये पश्चिमी भाग है, तो अफ्रीका का पूर्वी भाग भी इसमें शामिल है, तो क्या है ईस्टर्न अफ्रीका। तो आपको कहां कहां दिखाई दिया, साउथ एशिया, साउथ ईस्ट एशिया, ईस्टर्न एशिया, साउथ ईस्ट, साउथ एशिया की बात करें तो इंडिया की बात कर रहे हैं हम, इंडिया सबसे सदर्न एशियन पार्ट में है, दक्षिणी एशिया के भाग में, फिर साउथ ईस्ट एशिया इंडोनेशिया जावा सुमात्रा, ईस्टर्न एशिया चाइना, फिर अमेरिका का उत्तरी भाग और सॉरी ऑस्ट्रेलिया का उत्तरी भाग और अफ्रीका का पूर्वी भाग। इसके अलावा जितने भी एरिया बचे हैं, इसके अलावा जो भी क्षेत्र बचे हैं ट्रॉपिकल रीजन में, वो कौन से हैं, मानसून कर लिए तो कौन बचे, बचे ट्रॉपिकल मरीन क्लाइमेट, द रेस्ट ऑफ द एरिया बिटवीन द ट्रॉपिक्स आर कौन से हैं, ट्रॉपिक मरीन क्लाइमेट, ठीक है, उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है, क्लियर। ये बात समझ में आया आप तक, तो ये बात लिख सकते हो रेस्ट ऑफ द एरियाज हैव, रेस्ट ऑफ द एरियाज हैव ट्रॉपिकल मरीन क्लाइमेट, ट्रॉपिकल मरीन क्लाइमेट। तो सबसे पहले हम इसमें बात करेंगे ट्रॉपिकल मरीन क्लाइमेट की, इसका पहला पार्ट है ट्रॉपिकल मरीन क्लाइमेट, उष्णकटिबंधीय जल समुद्री जलवायु, उष्णकटिबंधीय समुद्री जलवायु ये आप रखेंगे। तो यहां पे टेम्परेचर मैंने बताया था कैसा होगा, हॉट, तापमान हमेशा हॉट रहेगा लेकिन कैसा, लेस हॉट, हॉट कैसा है, मॉडरेट, क्या होगा थोड़ा सा कम गर्म होगा। और विंड्स कौन सी हैं, ट्रेड विंड्स यानी व्यापारिक पवने, व्यापारिक पवने क्या होती हैं, लगभग साल भर चलती हैं, लेकिन इसी के साथ कुछ स्थानीय पवने यानी लोकल विंड्स भी हैं, ट्रेड विंड्स अलोंग विद लोकल
विंड्स, कौन सी? अब ओशियन के किनारे हैं तो यहां पे कौन सी विंड्स की हम बात कर रहे होंगे? लैंड ब्रीज एंड सी ब्रीज, ठीक है, स्थली पवने और समुद्री पवने, लैंड ब्रीज एंड लैंड ब्रीज एंड सी ब्रीज, ये दो टाइप्स की लोकल विंड्स हैं। और पहली क्या थी? ट्रेड विंड, क्लियर। और यही क्या लगते हैं? दे ब्रिंग मॉइस्चर रेगुलरली, क्या लाते हैं? दे ब्रिंग्स मॉइस्चर रेगुलरली, ये अपने साथ लगातार आर्द्रता लाते रहते हैं। अब यहां पे जो विंटर्स होती हैं, विंटर्स में जो मॉइस्चर होगा क्या होगा? विंटर्स में मॉइस्चर कैसा होगा? लेस होता है। विंटर्स हैव रिलेटिवली लेस मॉइस्चर, ठीक है, ठीक है। और जब यहां समर्स होती है ट्रॉपिकल रीजन में, तो समर्स में अपने यहां जब अप्रैल में ही सुनते हो चक्रवात के नाम सुने होंगे, साइक्लोन्स, साइक्लोन सुनते हो। तो जब ये साइक्लोन्स कहां है? कॉन्टिनेंटल रीजन में होंगे तो कोई बारिश तो करा नहीं सकते हैं, वो वहां तक पहुंचते भी नहीं है। लेकिन जब ये कहां पे है? कोस्टल रीजन यानी तटीय क्षेत्र पर है, तो क्या कर रही होगी? साइक्लोनिक कंडीशंस बनेंगी। चक्रवाती स्थिति में क्या होगी? ये चक्रवात अपने साथ पानी लाते हैं और पानी लाएंगे, पूरा का पूरा पानी बारिश के रूप में पलटा देते हैं। तो दिस रीजन ऑल्सो गेट्स द साइक्लोनिक रेन इन समर्स। और किस रीजन में साइक्लोन बन रहे हैं? ट्रॉपिकल रीजन में है, तो इनको कौन से साइक्लोन कहा जाएगा? ट्रॉपिकल साइक्लोनिक रेन। यहां तक कोई दिक्कत है? अब क्या है, यहां पे टेम्परेचर भी ज्यादा या कम है? ज्यादा है, मतलब अरे आप ट्रॉपिक पे हो, ज्यादा है या कम है ये बताओ। ठीक है, चलो मान लो अच्छा है, ठीक है, मान लिया ठीक है, तो गर्मी होगी, गर्मी होगी तो कन्वेक्शन भी होगा, लेकिन उतना नहीं होता जितना कि इक्वेटर पे होना चाहिए। दे ऑल्सो दे रीजन ऑल्सो रिसीव कन्वेक्शनल रेन, हॉट मॉडरेट, खूब एक्सट्रीम गर्म नहीं है लेकिन हॉट है, हॉट है तो इवेपोरेशन होगा, इवेपोरेशन मतलब कन्वेक्शन या संवहन हो रहा होगा, संवहन होगा तो वो कन्वेक्शनल रेन भी लाएगा, क्लियर। तो ये सब क्या है? अब देखो यहां पे जो फॉरेस्ट है वो कम घने होते हैं, पानी की मात्रा क्या है? कम है, टेम्परेचर भी थोड़ा सा कम है, तो यहां पे जंगल भी कैसे होंगे? लेस डेंसर, डेंसिटी क्या होगी? लेस डेंसर, क्लियर। ये बात समझ में आ गई, यहां तक कोई दिक्कत है? तो अभी क्या हो रहा था? यहां पे वेरिएशन हो रहा है किसमें? टेम्परेचर में, मॉइस्चर में, रेन में, सभी जगह क्या है? वेरिएशन है। जब वेरिएशन होगा तो यहां पे जो एनिमल्स होते हैं वो कैसे होते हैं? अडॉप्टिव एनिमल्स होते हैं। जो जंतु मिलेंगे या पौधे मिलेंगे वो कैसे होंगे?
अडॉप्टिव या अनुकूलन करने वाले पौधे। अनुकूलन मतलब समझ रहे हो, खुद को एडजस्ट करने वाले। एडजस्ट करना समझ रहे हो, आप थोड़े दिन यहां रह रहे हो, आप क्या करते हो थोड़े दिन एसी में रहने लगते हो। एक नॉर्मल आदमी क्या है, कूलर में रहता है, कुछ पंखे में रहते हैं, कुछ एसी में रहते हैं। पंखे में रहने वाला भी आराम से रह रहा है, कूलर में रहने वाला भी आराम से रह रहा है, और एसी में रहने वाला भी आराम से रह रहा है तो सभी ह्यूमंस है ना। अब देखो, अब कूलर वाला एसी में रहने लगता है, रह लगता है ना, क्या करता है, पहले तो एक दो दिन उसको ड्राई ड्राई फील होगा, फिर धीरे धीरे वो क्या करता है, उस वातावरण में एनवायरमेंट में रहने की उसको आदत हो जाती है। या एसी वाले को थोड़े दिन कहीं बाहर रख दो तो क्या होगा, दो चार दिन तो दिक्कत होगी, भाई ठीक है एसी नहीं, एसी नहीं, हाथ पैर फड़फड़ाएगा, लेकिन थोड़ी देर बाद क्या होगा, वो एडजस्ट कर लेगा। तो इसी क्या बोलते हैं, अडॉप्टेशन या अनुकूलन। ठीक है, तो दैट ट्रीज फाउंड हियर आर अडॉप्टिव इन नेचर। ठीक है, क्या है, यहां का जो वेजिटेशन है इन नेचर ड्यू टू वेरिएशन इन टेम्परेचर, मॉइस्चर, सनशाइन एटसेट्रा। ये बात क्लियर है? ठीक है, अब यहां पे जब कोस्टल रीजन में जाते हो आप, यानी तटीय क्षेत्र में, भाई ईस्टर्न रीजन था, ये क्या है, इधर ओशियन है और ये सेंट्रल वाला इंटीरियर कॉन्टिनेंटल पार्ट है। तो जो कोस्टल रीजन है यहां पे पर्याप्त मात्रा में बारिश हुई, पानी हुए, मिनरल्स हुए, तो कोस्टल रीजन से मिलते हैं हमको यहां पर एवरग्रीन फॉरेस्ट। इन कोस्टल रीजन वी फाउंड एवर ग्रीन फॉरेस्ट। ये बात क्लियर? और जैसे ही आप इंटीरियर ऑफ कॉन्टिनेंट में जाएंगे, वी फाउंड डेसीडुअस बता रहे हमको। अब देखो क्या है, यहां पे धूप की मात्रा कम है, पानी की मात्रा कम है, तो यहां पे पौधों के पत्तियां छोटी हो जाएंगी, पत्तियां छोटी हो जाएंगी, लंबाई भी कम हो जाएगी, स्मॉलर लीव्स शॉर्टर हाइट, हाइट में कैसे होंगे, शॉर्टर होंगे। ये बात समझ में आ रहा है? और ये जो ट्रॉपिकल रीजन है, ट्रॉपिकल रीजन में इक्वेटोरियल रीजन का 70% ही फॉरेस्ट होता है। अगर इक्वेटोरियल रीजन में 100% फॉरेस्ट था तो यहां पे कितना होगा, 70%। ट्रॉपिकल रीजन हैव 70% ऑफ इक्वेटोरियल फॉरेस्ट। ये बात समझ में आ रही? ट्रॉपिकल रीजन हैव 70% ऑफ इक्वेटोरियल फॉरेस्ट। इस बात को बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। क्लियर? यहां तक कोई समस्या है?